पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वैश्य समाज मुरादाबाद के तत्वावधान में नंदगोपाल नंदी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष सुनीता गुप्ता ने बताया कि हर साल हमारे द्वारा नंदी जी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया जाता है और उनकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। इस वर्ष भी नंदी भैया का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। सबसे पहले मंदिर में शिव परिवार की पूजा कर नंदी भैया की लंबी उम्र की कामना की गई और स्वस्थ रहने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने इकट्ठा होकर जन्मदिन को धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी जी यूं ही लगातार आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। नंदी भैया का जन्मदिन है और मैंने सभी अपनी सहेलियों को सखियों को बुलाया है कि हम नंदी भैया की दीर्घायु के लिए कामना करें, क्योंकि आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन नंदी भैया के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था और हम सब ने आज भी मैंने सुबह उनके लिए शिव मतलब भोले बाबा की साथ मतलब मैंने आज 11 माला उनके नाम से करी ओम नमः शिवाय की। और मैं चाहती हूँ, मैं भोले की भक्त हूँ कि इसी तरह से मैं उनकी दीर्घायु के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करती रहूँ। भोले बाबा उनको दीर्घायु दें, क्योंकि मैं भी भोले की भक्त हूँ। वैसे मैं महानगर वैसे समाज महानगर के अध्यक्ष हूँ और मेरी सारी सहेलियाँ मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी सारी सखियाँ मेरे साथ नंदी भैया का जन्मदिन मनाने के लिए इस टीयूसी रेस्टोरेंट में आई हैं और सभी ये प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान हमारे नंदी भैया को बहुत बड़ी आयु दे, लंबी आयु दे, दीर्घ आयु दे। भोले बाबा हमेशा उनके साथ रहें, जो उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए मैं यही कहती हूँ कि बहुत सराहनीय कार्य करते हैं, वो सबकी मदद करते हैं, सबके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे लिए तो मैंने भगवान तो नहीं देखे, लेकिन मेरे लिए नंदी भैया भगवान रूपी हैं कि वो भगवान रूपी हैं और हमेशा सभी बहनों की वो मदद करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।